खाली है, खा गए अब। तो जैसे कि इस प्रतियोगिता से एक जोड़ी को बाहर कर दिया गया था, तो चौथे स्थान पर जिस जोड़ी ने कब्जा किया है, पूरे एक मिनट में 3 गोलगप्पे खा के एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, और वो है हमारे हरियाणा के आयरन मैन लक्की जी और बड़ो भाभी जी। ताड़िया। और तीसरे स्थान पे जिसने कब्जा किया है, जिन्होंने एक मिनट में 4 गोलगप्पे खाए हैं और 10 गोलगप्पों को शहीद किया है, और वो है हमारे राणा भाई और पिंकी भाभी जी। इनके लिए भी जोरदार ताड़ियां। और अब मैं आपको इस प्रतियोगिता के नंबर 1 जोड़ी का नाम बताऊंगा। पूरे 20 के 20 गोलगप्पे हजम करने वाली जोड़ी से हमारे सम्मानित गुरु जी एंड चाची जी, जिन्होंने एक मिनट में 14 गोलगप्पे हड़प लिए हैं। इनके लिए भी जोरदार ताड़िया। राम 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 राम। चलो सरपंच जी आ गए। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर सुनने में आई है कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाली जोड़ी को सिरसा एंटरटेनमेंट पार्क के मालिक श्री प्रधान सिंह जी इनाम भेंट करेंगे। ताड़िया। बहुत बहुत बधाई हो आपको कैलाश जी। धन्यवाद। ले आ छोरा, यो आपका पुरस्कार। भाई साहब, दीजी जी, ये लाइन देखिए। दीजी जी, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? आपको पता है आप ना यहाँ सबकी प्रेरणा से हैं। प्रधान जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चलो जाओ, अपनी लाइन शुरू करो। चलो चलो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, लाइंस कर लो फटाफट, ठीक है? मास्टर जी, जी आपकी भी हालत बहुत खराब है ना हमारी तरह? वो सबके सामने स्टेज पे जाने से। हाँ, वो मारे को भी। जी, मारा मतलब जी मैं समझ सकूँ। मारे तो हाथ पाव इबी से कांप रहे से, कैसे करेंगे? पर ना आप चिंता ना करो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हद है, मैं तो समझाई तो रही थी। तेजी जी, मारे को ना सारी लाइनें याद हो गई से। अच्छा? तो मैं आपने सुनाऊं? सुना। मारे को भी याद हो गई है। ठीक है, दोनों सुनो। I will never leave you. अरे अब
गोल गप्पों ने तो आग लगा रखी है पेट में। बात में तो यो समझ ना रहा कि बाबूजी, ताईजी, माँजी सब घरवालों का पेट ठीक से हा? लेकिन लक्की भाई का पेट कैसे खराब हो गया? आपने तो खाए भी सिर्फ 3 गोल गप्पे थे। अरे खाए तो मन्ने 3 थे, पर उस बड़ो ने ना भर भर के बनाए अपने सहज के। अरे उसका एक निवाला ना मेरे 3 निवाले के बराबर से। क्या बात कर रहे हो भाई? भाई मन्ने खुद देखा था, भाभी कितने प्यार से भाई को एक एक गोल गप्पा खिला रही थी। मन्ने तो लागे से भाई कि आपको ना भाभी का इतना सारा प्यार है जो हजम ना हुआ। भाई ज्यादा हिलो मत, वरना कहीं भी दुर्घटना घट सकती से। काम कर, तू जल्दी ना बड़ो को बुला के ला। अरे पिछली बार जैसे दर्द हुई थी तो बड़ो ने कुछ ऐसा बनाया था कि झट से ठीक हो गई, जल्दी जा। पर भाई भाभी तो वो मेले का काम समेटने गई थे, कित होंगी मालूम ना। मैंने तो लग गया भाभी को लौटने में भी शाम हो जाएगी। अरे शाम तक ठीक ना हुआ तो नाटक वाले बोलेंगे कि लक्की भाई को हीरो नाम रहा है इसलिए नाटक कर रहे थे। तो इसमें क्या गलत बोले? ओ, यो अच्छी बात ना से। एक काम कर, जाके ना केला और वो क्या कहते हैं उसे, ज्वाइन, अदरक, सौंफ और शहद लेकर। मैं यूं गया और यूं आया। जी, पिंकी बोल रही थी कि कमला माँ जी ने मारे को बुला भेजा है, कोई काम था के? नजर नहीं आ रही वो। हाँ अभी तो यहीं थी, कुछ काम से बाहर गई होंगी। काम से चली गई तो मारे को क्यों बुलाया? हाँ कुछ तो छोड़ के गई है वो आपके लिए, कुछ पीछे पड़ा है डब्बा। कमला माँ जी मारे लिए छोड़ के गई? हाँ कुछ तो कह रही थी कि घर पे 2 डिनर सेट आ गए, एक पायल को देना है तो ना पीछे पड़ा है। सच्ची? ले लीजिए। हाँ मुच्ची। ओ मारा मतलब देख लेती हूँ। तेजी जी दूसरा किस है? पायल जी अब दूसरा भी लेके जाने का? ना ना मारा वो मतलब ना था, मैं तो बस यूं ही मतलब। अच्छा दिखाओ तो कैसा है? अच्छा ही होगा ना? सीएम साहब ने जो भेजा है अच्छा तो हो गई। अरे वाह, लागे कमला माँ जी का हृदय परिवर्तन हो रहा से धीरे धीरे ही सही। हिम्मत तो कूट कूट के भरी है इसको पूतने, मारे को धमकी दे रहा है कि सिरसा से निकाल देगा। पांच देखना यो नाटक ना तेज जी के सिरसा में रहने पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा डाल देगा। अगर मैंने इसको यहाँ से ना निकाला ना तो तुम्हारा नाम भी पायल सिंह दया नहीं। रे पायल, रे सुन तो। अरे भागी भागी कहाँ जा रही से? माँ जी अपना हमारे पास टाइम ना है, माफ कर। सुन माँ जी के हो गया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, कैसा तूफान आ गया? अरे तूफान की बात ना से, वो ना मैं अपने बकरियावाल वाले घर की चाबी ढूंढ रही हूँ। चाबी की क्या जरूरत पड़ गई आपने? मैं सोच रही थी कि एक बार घर जाऊं, वो लखा बेटा ने इतनी मेहनत से इतनी प्यार से घर की मरम्मत करवाई से तो हमारा भी तो फर्ज बनता से ना कि घर को देखे। आप प्रीतम जी? जी मैं वरदान बोल रहा हूँ जी। आप सुबह सुबह कपड़े लेकर गए और गायब भी हो गए। ये बात होगी प्रीतम सिंह जी, बड़ी जल्दी आपको मेले में जाने की। तू के बकवास की जा रहा है, चलता है कि ना, वहाँ देर हो जाएगी। अरे भाभी मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि आप ही प्रीतम सिंह बनके मर्दों के कपड़े पहन के अलावत हाउस गए थे, वहाँ से आपने लक्की जीजा जी के रूम से सारे कपड़े उठाए और वो मूछ। अब मैंने समझ में आया कि इतने दिन बाद अब यहाँ के करने आए हो। ये जो पेटी है ना जो मैंने नाटक किया, अब बताओ कुछ नहीं कर रहे थे आप? वरदान मैं ना चाहती कि ये नाटक हो।